गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ आइसोट्रिटिनोइन कैप्सूल्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में। आखिर ये होती क्या है, मैंने इसको कैसे लिया, कैसे मेरे स्किन पे काम किया, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो ये जो आइसोट्रिटिनोइन होते हैं, ये एक टाइप के रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि पिंपल की प्रॉब्लम को, एक्ने की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो दाने हुए और आप ये यूज़ कर लो। जब आपको भर भर के पिंपल हो जाते हैं और आप ट्रीटमेंट करवा करवा के परेशान हो चुके हो, सब कुछ ट्राई कर लिया पर परेशान हो, जिनको भर भर के गुच्छों में पिंपल्स हो जाते हैं, सिस्टिक एक्ने होते हैं, नोटुलस होते हैं, वो लोग इनको यूज़ करते हैं। और उन्हीं लोगों को जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ये यूज़ करने की सलाह देते हैं। ऐसे हर किसी को यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है और आप भी इसको खुद से नहीं ले सकते हैं। जब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बोले तभी आप इसको ले सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरे कहने पे आप ये कैप्सूल्स लेना स्टार्ट कर दो। मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप भी परेशान हो चुके हो अपने पिंपल से, तो एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछेगा कि क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुकी हूँ, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताए थे। पर जब मैंने बैंगलोर में दिखाया तब मुझे एक डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया। पहले भी मैं बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर चुकी हूँ पर उन्होंने मुझे ऐसी कोई ट्रीटमेंट बताई नहीं थी, ऐसी कोई मेडिसिन बताई नहीं थी। वो लोग तो बस जो भी मेडिसिन बताते थे, 20 डेज बाद फिर आ जाओ, और बस ऐसा लगता था जैसे पैसे ही बना रहे हो। पर अभी जब मैंने एक साल पहले दिखाया तो बहुत ही कम चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की, जिसमें से एक था ये आइसोट्रिटिनोइन टैबलेट्स थी और एक यूवी ब्रेक सनस्क्रीन था जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, इमोलिन क्रीम थी उसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। तो ये दो तीन चीज़ें ही उन्होंने मुझे बताई थी और इसके रिजल्ट्स मुझे इतने अच्छे मिले कि पूछो ही नहीं। तो ये जो आइसोट्रिटिनोइन होती हैं, ये एक टाइप का विटामिन ए होता है और रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि स्किन से सीबम के प्रोडक्शन को कम करते हैं और ऐसे ये पिंपल को ट्रीट करते हैं, आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं। और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है तो पिंपल, एक्ने, दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनका डोज जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 महीने खाने के लिए कहा था, हो सकता है आपको 6 महीने कहें या फिर 3 महीने कहें, वो आपकी जो भी स्किन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ YouTube, Google पे देख के कुछ भी लेना शुरू मत करो, क्योंकि कोई आपकी स्किन कंडीशन को नहीं देख रहा है। तो शायद मेरी स्किन पे 2 महीने पे काम कर गई, हो सकता है आपको 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं। इसलिए पहले डॉक्टर्स को दिखाओ अपना फेस कि ऐसा ऐसा है, फिर इसको लेना शुरू करो। ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको डीएक्टिवेट करती हैं जब आपकी स्किन पे सीबम का प्रोडक्शन नहीं होगा, और सीबम में एक रीज़न होता है जैसे कि आपको पिंपल्स हो जाते हैं। तो इसके ऐसा नहीं है कि इसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और जो कि सबकी बॉडीज़ पे अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि ड्राइनेस होना, जब मैंने इनको लेना शुरू किया तो मेरी स्किन तो ड्राई हुई, साथ ही साथ मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, मेरे स्कैल्प पे भी ड्राइनेस हो गई। तो आपको ऐसे केस में करना क्या है, लिप्स के लिए आपको बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र मतलब लिप बाम यूज़ करना है, आप पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे आपको स्किन के लिए भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करेगा। जैसे मैंने इमोलिन यूज़ किया था नाइट में, और दिन के लिए मैंने यूवी ब्रेक सनस्क्रीन यूज़ किया था जो कि सनस्क्रीन का भी काम करता है और मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में यूज़ की थी। इसके साथ ही कुछ लोगों को मसल्स पेन, बॉडी पेन, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ इसको लेने के बाद ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो स्किन को तो ड्राई करता ही है, लिप्स और स्कैल्प भी ड्राई हो गए थे। मैं कह सकती हूँ कि स्कैल्प पर ड्राइनेस के कारण थोड़े से मेरी डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ गया था, इसके अलावा मुझे कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। इन टैबलेट्स को लेते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल बता दीजिए। अगर आप बेबी प्लान करने वाले हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तब तो इसको बिल्कुल भी यूज़ करना ही नहीं है, भूल के भी यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम से अगर आप
फेस कर रहे हो या फिर कभी रही है, तो ये सारी बातें भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से को बता देनी है। तो जब मैंने ये टैबलेट्स को लेना स्टार्ट किया, डॉक्टर ने मुझे 2 महीने लेने के लिए एक बोला था, पर मैंने 2 महीने नहीं लिया, 1 ही महीने बस लिया। इसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लगा कि बस ठीक है, ड्राइनेस भी पड़ रही थी और मुझे लगा ठीक है, अब मतलब पिंपल ठीक ही हो गए हैं, स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लेना बंद कर दी। तो जब मैंने इसको 1-2 दिन यूज़ किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि 1-2 दिन में तो कुछ समझ नहीं आता है। जब 4-5 दिन हुए तो स्किन बिल्कुल मतलब ड्राई होके, जो पिंपल है ना बिल्कुल ड्राई हो गए और ऐसे लेयर्स निकलने लगे। इतना इफेक्टिवली ये टैबलेट्स काम करती है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई लगेगी, आपको बहुत अजीब सा लगेगा, लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। पर ये पिंपल को ड्राई कर करके बिल्कुल निकाल देगा। मतलब 15 दिन में तो आपकी स्किन इतनी मतलब इतनी अच्छी लगेगी, ग्लो भी दिखेगा, दाग धब्बे भी दूर होंगे, पिंपल भी दूर होंगे। और 1 महीने में तो इसने बिल्कुल मेरा फेस एकदम क्लियर कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मैजिक हुआ हो, इसको यूज़ करने के बाद ऐसा फील होता है। और जब मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर मैंने इसको 2 महीने नहीं लिया, सिर्फ 1 महीने ही लिया, फिर इसको बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये टैबलेट्स लेने के बाद मुझे कभी पिंपल ही नहीं हुए। एक दो निकल आते हैं, जहाँ 10-15 पिंपल निकलते थे वहाँ अब 1-2 पिंपल निकल आते हैं। जब पीरियड्स वगैरह का टाइम होता है तब मुझे 1-2 पिंपल निकल आते हैं, नहीं तो मुझे कोई भी पिंपल नहीं होता है। एक बात और, जब मैंने इसको 1 महीने तक कंटिन्यू किया, मेरा फेस एकदम क्लियर हो गया। फिर मैंने अपनी डाइट पर कंट्रोल किया, अच्छी डाइट ली, बहुत ज़्यादा पानी पिया। और जब आप ये टैबलेट्स भी लेते हो ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि ये ड्राइनेस करता है, तो आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अच्छे से पानी पियो, ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीज़ें मैंने अपने डाइट पे इंक्लूड की, एक्सरसाइज इंक्लूड किया, जैसे कि अभी तक मुझे ये पिंपल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभार एक दो होते रहते हैं। इसके अलावा जो मेरी बहुत ज़्यादा पिंपल वाली प्रॉब्लम थी, अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। मतलब अब इतने ही पिंपल होते हैं कि कोई भी मैं मेडिसिन वगैरह यूज़ करती हूँ, जैसे ट्रिटिनोइन यूज़ कर लिया या क्लिंडामाइसिन यूज़ कर लिया, उतने में ही ठीक हो जाते हैं। पर भर भर के गुच्छों वाले पिंपल अब मुझे नहीं होते हैं। तो जो मैं टैबलेट्स ले रही थी उसका नाम है टाइनी ट्रेट, और ये अलग अलग फार्मा कंपनीज की अलग अलग नाम से आती हैं। सिप्ला की भी आती है, एक अक्यूटेन करके भी काफ़ी फेमस है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फार्मा कंपनीज की अलग अलग नाम की ये मेडिसिन आती है। मैं जो ले रही थी वो 20 mg की थी, और मुझे एक टाइम रात को बस लेने को कहा था, मतलब खाना खाने के बाद रात को मुझे ये लेना था। तो अगर आप भी परेशान हो, सच में बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो पिंपल से, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो कहीं ध्यान ही नहीं लगता, बस आपका पूरा ध्यान आपके फेस पे होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि कब आपका आपके पिंपल ठीक हो जाएं, कहीं जाने आने में भी अच्छा नहीं लगता है, और लगता है कि बस ठीक हो जाए। बड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, मैं समझ सकती हूँ कितना ज़्यादा टेंशन होता है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा टेंशन है पिंपल्स का, दाग धब्बों का, एक्ने का, तो ये दाग धब्बों पे स्पेशली काम नहीं करता, पर ये पिंपल पे काम करता है, और पिंपल को ट्रीट करते करते दाग धब्बों पे भी काम करता है। तो परेशान हो, बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसको बोलो कि मुझे ये लेना है, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कितने दिन का डोज लेना चाहिए और कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, क्या 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 चीज़ें करनी चाहिए, क्या मैं ये ले सकती हूँ। आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करो, इसको लो। और अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने ये ट्रिटिनोइन, आइसो ट्रिटिनोइन टैबलेट्स ली हुई हो, कैसे रिजल्ट्स मिले ये भी मेरे साथ शेयर करना। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल होगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।